हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है, अ बॉडी कैपिटल ए मूव्स विथ एक्सेलरेशन ए एंड जीरो इनिशियल वेलोसिटी, अनदर बॉडी बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी वी, द टू बॉडीज मीट आफ्टर टाइम टी, द वैल्यू ऑफ टी इज। तो पहले क्वेश्चन का मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं। देखो, बॉडी ए और बी, वी अज्यूम कि ये इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है, समझिए ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। बॉडी ए जो है इसका एक्सेलरेशन ए दिया है एंड इट इज मूविंग विद द जीरो इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यहां पे यू इक्वल्स टू जीरो और ए दैट इज एक्सेलरेशन विल बी ए। बॉडी बी जो है जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हुई है, उसका वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंट है। So here we can say u that is equals to v which is constant, और इसलिए acceleration इस केस में रहेगा जीरो, right? अब ये दोनों जब मूव हो रहे हैं, मैं कुछ दूसरे कलर से शो करता हूं, कुछ इस तरह से ये समझो मूव हो रहे हैं। अब देखो यहां पे बॉडी b जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और बॉडी a उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जीरो, इसका मतलब बॉडी b जो है वो आगे निकल जाएगी, right? लेकिन क्योंकि बॉडी a एक्सेलरेट हो रही है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है, कुछ टाइम के बाद वो दोनों फिर से क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे, एक दूसरे के साथ आ जाएंगे। तो वी अज्यूम कि ये वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पर दोनों साथ में आ जाएंगे। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी ए और डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी बी ये सेम रहेगा जब दोनों फिर से मीट होंगे, और दोनों के लिए जो टाइम है वो भी सेम रहेगा। तो मैं यहां पर इक्वेशन बना लेता हूं पहले, फॉर कैपिटल ए, बॉडी ए के लिए हम लोग लिख रहे हैं, सो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इक्वल्स टू, देखो इनिशियल वेलोसिटी ए के लिए जीरो दी है, हाफ एक्सेलरेशन ए है और टाइम दोनों के लिए सेम रहेगा, मतलब एस सफिक्स ए इक्वल्स टू रहेगा हाफ ए टी स्क्वायर, राइट? नाउ फॉर बी, तो इस केस में क्या होगा, फिर से एस सफिक्स बी, बी के केस में क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी वी है, मतलब वी टी, और एक्सेलरेशन है जीरो, मतलब ये हो जाएगा एस सफिक्स बी विल बी इक्वल्स टू वी इंटू टी। और जैसे कि हमने कहा था कि बॉडी बी जो थी वो आगे निकलने वाली थी और बॉडी ए उसके पीछे है, बट क्योंकि बॉडी ए एक्सेलरेट हो रही है, वो कुछ टाइम बाद उसको कवर कर लेगी या फिर उसको कैच कर लेगी या फिर दोनों इंटरसेक्ट होंगे, तो उस केस में डिस्टेंस ट्रेवल जो है एस सफिक्स ए और एस सफिक्स बी ये सेम रहेगा, मतलब क्या कि हाफ ए टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू वी इंटू टी। तो यहां से एक टी कैंसल, तो बचा क्या हमारे पास, देखो हाफ ए टी इक्वल्स टू वी, तो चलो वैल्यूज को शिफ्ट कर देंगे, सो टी इक्वल्स टू व्हाट, इट इज टू वी बाय ए। तो जैसे हमें यहां पे टाइम ही फाइंड करना था, तो ये हो गया वो टाइम कि जिस टाइम में टू बॉडी विल मीट अगेन, राइट? तो 2v by a, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट हो जाता है। ओके, क्लियर है?